मानव केयर संस्थान की ओर से चलाई जा रही गरीब बच्चों के लिए क्लास के माध्यम से जो बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं उनको शिक्षा की सामग्री उपलब्ध करवाई गई। इस दौरान मानव केयर संस्थान की ओर से झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले बच्चों को रेस्टोरेंट में ले जाकर खाना खिलाया गया ताकि उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। मानव केयर संस्थान के संस्थापक संजय गुप्ता ने बताया कि संस्थान की ओर से सामाजिक कार्यों के साथ साथ दलित बस्तियों में एवं झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए एवं शिक्षित करने के लिए क्लास चलाई जा रही है जिनमें इन बच्चों को शिक्षा दी जाती है। आज के इस कार्यक्रम में बच्चों को पौष्टिक एवं स्वादिष्ट भोजन करवाने के लिए रेस्टोरेंट में ले जाया गया जहाँ पर बच्चों द्वारा नाच गाकर भी खुशी का इजहार किया गया और संस्थान द्वारा चलाए जा रहे सर्व शिक्षा अभियान के इस कार्यक्रम को आगे ले जाने में अपनी भागीदारी निभाई। इस मौके पर मानव के संस्थान से जुड़े सभी पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। नमस्कार, समाचार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ हैं संजय गुप्ता जी जो मानव केयर संस्थान चलाते हैं, गरीब बच्चों की शिक्षा का कार्य करते हैं, उन्हीं के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हम संजय गुप्ता से बात करते हैं, क्या कार्यक्रम आज का? जो हम सर्व शिक्षा अभियान चलाते हैं जिसके अंतर्गत हमारे पास लगभग 30 बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों के लिए आज हमने एक फन पार्टी रखी है और अपना यहाँ पे कॉफ़ी कैफ़े में, तो यहाँ पे इन बच्चों के लिए आज पूरा इंटरटेनमेंट का बंदोबस्त किया गया है। इनके लिए स्नैक्स का, डांस पार्टी का, लंच का पूरा आज बच्चे हमारे साथ दोपहर 2 बजे तक रहेंगे और इनके लिए पूरा इंजॉयमेंट जो हम लोग करेंगे आज यहाँ पे। और उद्देश्य जो है इस कार्यक्रम का ये है कि ये जो बच्चे जो कि सभी सुविधाओं से वंचित हैं और गरीब झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं, ये मुख्य धारा में आए, इनको समाज में हो रही जो है जिस प्रकार से समाज में जो उच्च वर्ग के लोग रहते हैं इनको उस बात का एहसास हो कि किस प्रकार से हम जो है ना उन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं और धीरे धीरे इन बच्चों को हम मुख्य धारा में लाने का प्रयास करेंगे ताकि जो है ये बच्चे आगे बढ़ें और शिक्षा प्राप्त करके अच्छी जो है इनकी सोच बने। और आज हमने बच्चों से भी पूछा इस बारे में, इनसे भी इनके विचार जानने की कोशिश की है। इन बच्चों के भी विचार इस प्रकार से आए हैं कि अगर बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो वो नशाखोरी से या दूसरे अपराधों से दूर रहेगा, तो ये मतलब बहुत अच्छी हमें इन बच्चों की भी सोच लगी है और ये हमारा भी सोचना है कि अगर बच्चे मान लो इस प्रकार के अनपढ़ता से दूर रहेंगे तो वो मुख्य धारा में आएंगे और जो अपराध हैं, जो किसी किस्म की और दिक्कतें हैं जो समाज में, उनसे जो है वो पार पा सकेंगे। मानव केयर संस्थान के द्वारा जो स्कूल चलाया जा रहा था उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारा साहिल जी को जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया हमारे बच्चों के लिए, और मैं चाहूँगा कि समाज का हर वर्ग उठ के आए और हमारे इस कार्य को और बेहतर बनाए ताकि इन बच्चों को जो एक ज़रूरी सुविधाएं हैं, ज़रूरी बुनियादी ज़रूरत है इनकी, उन चीज़ों को पूरा किया जा सके और इन्हें भी मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। और हमारे संस्था के सदस्य हैं साहिल जी और बहुत अच्छा कदम है, इनका सराहनीय कदम है। इन बच्चों को भी एक एडवेंचर मिलेगा, एक नया माहौल मिलेगा और कैसे बड़े लोगों के बच्चे जो है वो अच्छी अच्छी पार्टीज़ में जाते हैं और कैसे इन्जॉय करते हैं उस चीज़ों को समझने का, जानने का मौका मिलेगा। तो इसलिए ये मानव केयर संस्थान की तरफ से कदम उठाया गया है जिसके लिए बधाई के पात्र हैं हमारे साहिल जी, धन्यवाद। शुक्रिया सभी को। सर, हमें 1 साल हो गया यूनिक कॉफ़ी कैफ़े चलाते हुए, हमने बड़े बड़े लोग देखे यहाँ पे, बड़े बड़े लोग पार्टी करते हैं यहाँ पे, पर हमें जब देखा, संजय जी से मुलाकात हुई, गरीब बच्चों के पढ़ाते हैं, स्टडी करते हैं सब, बहुत ही ज़्यादा हमने इनके लिए बहुत कुछ करा, पर आज हमें 1 ईयर हो चुका है, पर हमने कहा नहीं कुछ अलग किया जाए इनके लिए, तो आज ये प्रोग्राम रखा गया इनके लिए। बहुत अच्छा है, इनके आगे भी करें, जिनकी जो भी ज़रूरत है सब इनकी पूरी की जाएगी। हमारे साथ मैडम भी हैं, सर भी हैं, हम मेरी टीम है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। थैंक यू। मेन इसका जो उद्देश्य है वो यही है कि सारे बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो, जिसको कुछ भी नहीं आता, समाज में बैठना उठना वो सब चीज़ें सिखाई जाती है। कई लोग ऐसे हैं जिनको पढ़ाने का मन करता है लेकिन उन्हें भी पढ़ना खुद भी नहीं आता, लेकिन वो भी आगे आते हैं ताकि इन बच्चों के लिए कुछ अपनी तरफ से सेवा कर सकें, कोई कॉपी वगैरह, बुक वगैरह, पेंसिल्स वगैरह सारे दे के भी जाते हैं। और बच्चे, सर, सारे जो टीचर्स हैं यहाँ पर, सर हैं, वो सारे बच्चों के लिए इतना सारा सामान लेके आते हैं ताकि जो बच्चे हैं वो उठे। और कई बच्चे ऐसे हैं जिनके अभी उनके मन में भी बैठ चुका है कि हाँ हमने बड़े जाके बड़े होके क्या बनना है लाइफ में, और अपने पेरेंट्स को जो लाइफ अभी वो दे रहे हैं, जो उनके द्वारा मिली गई है, उनकी लाइफ को वो और बेहतर बनाना है। एजुकेशन की वैल्यू पता लगे, गलत चीज़ों से दूर रहें, बच्चे मोटिवेट हो रहे हैं, धीरे धीरे हमारा प्रयास रहेगा आज जैसे 23 बच्चे हैं तो और भी आगे बढ़े। पार्टी में
क्या कहना चाहोगे अपने? हम ऐसा कहना चाहेंगे जो सर जी को और मैम को अच्छा लगे। हमको ये तो पता नहीं था ये कहाँ पे है, लेकिन हमको जो सर जी लेके आए हैं और मैम, वो हमको बहुत अच्छा लगता है। तेईस बच्चे 23। सर मैं क्या कह सकती हूँ, बच्चे तो अपने ऊपर अगर पढ़ना चाहेंगे तो अपने लिए कर सकते हैं जो करेंगे पढ़ाई के लिए। संजय सर हमारे लिए बहुत कुछ किया है, सारे सरों ने मैम ने भी बहुत कुछ किया है हमारे को पढ़ाने के लिए। अब क्या कर सकते हैं, बच्चे पढ़ेंगे तो अच्छी अच्छी बात है, और जिनके जो बच्चे नशे की चीज़ में नशे की लत में रहते उनके लिए तो अच्छी बात नहीं है। नशा छोड़ोगे, नशा नशे की चीज़ यहाँ पर बंद होगी तभी तो बच्चे आगे आके पढ़ेंगे। सर JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।